तो देखिए सब्सक्राइब का यहाँ पे लाल बटन है, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। यस बैंक लिमिटेड, देखिए दोस्तों मैंने एक हफ्ते पहले, अभी मैं दिखा देता हूँ कितने दिन पहले, 6 डेज अगो एक वीडियो बनाया था यस बैंक पे कि 100 रुपये अब दूर नहीं है। आज वो कहावत सत्य हो रही है और अभी जो वर्तमान स्थिति हम देख लेते हैं यस बैंक की, 101 रुपये 85 पैसे पे ट्रेड कर रहा है 1:55 और आज है 19 जून 2019 और 52 वीक लो भी आज ही कह सकते हैं किसने बनाया है, और 52 वीक हाई था 404 और हाई से आप देख रहे हैं जिन्होंने एक साल पहले पैसे लगाए थे इसमें उनका 70% के आसपास का लॉस है। 6 मंथ पहले जिन्होंने लगाए थे उनको 43% के आसपास का लॉस है। मार्केट कैप है इनका 25,331 करोड़ का और टोटल वॉल्यूम जो ट्रेडेड हुआ है अभी तक के इस समय स्थिति जो है 9,72,68,000 के आसपास, तो ज़बरदस्त ट्रेडिंग हो रही है। और फेस वैल्यू 2 की है, लिस्टेड हुई थी कंपनी 12 जुलाई 2005 को। समझने वाली बातें हैं कुछ यहाँ पे, देखिए पी रेशियो है 14.82 की, अर्निंग पर शेयर रह गया है इसका 7.38 का, प्राइस टू बुक है 0.88 और डिलीवरी इसके 10% के आसपास है जो कि बहुत ही कम है। और डिविडेंड खैर इसने डिविडेंड तो पे ही किया था भी, जब इनका रिजल्ट्स आया था तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। तो पहले हम रिजल्ट्स पे एक नज़र देखते हैं फिर इस पर और भी कुछ बातें करेंगे। देखिए रिजल्ट्स में 1500 करोड़ के इन्होंने जो लॉस दिखाया था मार्च 2019 के Q4 के रिजल्ट्स में, तो ईयर ऑन ईयर हम देख ही रहे हैं, जैसा कि इंटरेस्ट अर्निंग में जो 5,742 करोड़ की थी मार्च 2018 में, वही मार्च 2019 में हो गई 7,856 करोड़ की, चलो 36% के आसपास की अपसाइड है इंटरेस्ट अर्निंग में, ये समझ में आती बातें। लेकिन NPA भी इनका बढ़ा हुआ है, ग्रॉस NPA भी इनका बढ़ा हुआ है और नेट प्रॉफिट तो सीधे अभी लॉस में ही दिखाया, वो इसलिए दिखाया गया था क्योंकि इनका कहना था कि भैया जो भी हमारे लेनदार हैं अब हम उनको ये घोषित कर देते हैं कि अब हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं कि हमें और इनसे पैसा मिल पाएगा, इसलिए हम लॉस दिखा देते हैं, ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम तो इस तरीके से 1500 करोड़ का लॉस दिखाया। उसके बाद से फिर इसमें जो गिरावट आई, फिर बहुत सारी रेटिंग एजेंसियों ने अलग अलग समय समय पर इसको जो है एक रेटिंग दी, डाउनग्रेड किया, तो अब जो है एक और रेटिंग एजेंसी ने दी है कि 90 रुपये तक जाएगा और उसकी बात मुझे सच होती लग रही है क्योंकि 101 आज पहुंच गया, तो ऐसा लग रहा है कि ये 100 के नीचे अब ये मिलेगा। लेकिन अब ऐसे में क्या करना चाहिए, देखिए जो रिटेल निवेशक होते हैं, कुछ लोग 250 करीब लिया होगा, कुछ लोगों ने 150 के आसपास लिया होगा, कुछ लोगों ने 135 या कल लिया होगा और आज फिर टूट गया, तो दरअसल लगातार इसमें गिरावट है। और ऐसे में स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अगर आपको लगता है निफ्टी 50 का ये जो बैंक है, एक नो डाउट एक साल पहले तो ज़बरदस्त बैंक थी जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा था, तो ऐसे में हमेशा हमारी ऐसी वोलेटाइल मार्केट में स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्योंकि मार्केट करेक्ट कर रहा है। देखिए सेंसेक्स ऊपर चल रहा है फिर भी देखो बैंक, इस बैंक में कितनी ज़बरदस्त गिरावट है और भी कई स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट है, तो कहीं ना कहीं मार्केट की चाल हम जैसे भोले भाले लोगों को समझ में नहीं आती। इनसाइड ट्रेडिंग, ज़बरदस्त ट्रेडिंग, फंड हाउसेस की ट्रेडिंग, ये सब चलती रहती है, इस पर मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। ऐसे में हमें सेफ गेम ये करना चाहिए जो शायद मैं हर वीडियो में कहता हूँ अपने, कि कोशिश ये रहे कि पूरा पैसा किसी स्टॉक में डालें सिस्टमेटिक तरीके से ही। मान लीजिए हमें 100 रुपये इन्वेस्ट करना था तो अगर हर गिरावट पर हम ख़रीदते, हमें लगता है कि यस बैंक एक अच्छी बैंक है और ज़बरदस्त कंपनी भी है, अच्छा रिटर्न भविष्य में दे सकती, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, वो एक शॉर्ट टर्म होती है कुछ कंपनियों की प्रॉब्लम के रिप्ले हटा दिया जाता है, कुछ कोई अच्छा मैनेजमेंट, कोई अच्छा CEO आ जाता है, MD CEO, तो उसको टेक ओवर करके उसको अच्छी जगह फिर से टेक ओवर करके अच्छे मुकाम तक पहुँचाता है। लेकिन इसमें तो काफ़ी अंदर NPA है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो ये छुपा रहे थे, और इस वजह से इसमें रेटिंग भी ऐसी दी जा रही थी और कई कारणों से इसमें चारों तरफ से जब मार पड़ी, बिकवाली ज़बरदस्त हुई, तो फिलहाल ये स्टॉक आज बुरी
तरह टूट गया है। मतलब एक दिग्गज बैंक बहुत सस्ते में मिल रहा है, चाहे आप पी रेशियो के हिसाब से देख लीजिए, चाहे बुक वैल्यू के हिसाब से देख लीजिए, टोटल की जितनी नेटवर्थ है उसके हिसाब से उसका स्टॉक प्राइस 101 रुपये वो इसके बुक वैल्यू के नीचे मिल रहा है। प्राइस टू बुक अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो भी देखिए 0.92 का है, जो कि एक से नीचे मिल रहा है, और डिलीवरी भी कितनी कम है। तो इस तरीके से देख जा, अब जाके ये बहुत सस्ता हो गया है। लेकिन अभी भी ऐसा हमें नहीं चाहिए कि पूरा पैसा झोंक दें इस लालच में कि चलो भाई 100 से 200 रुपये हो जाए, कभी भी भाग सकता है 30 रुपये 50 रुपये। हमें सावधान रहना है और थोड़ी थोड़ी बाइंग ही करनी है हर गिरावट पे। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, मैं ये खुल के नहीं कह रहा कि आप कितना लीजिए, आपका जो भी बजट हो, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर कहना किसी स्टॉक को खरीदने के लिए आज के मार्केट में, तो सिंपल सी बात है, रिटेल निवेशक थोड़े से नाराज़ भी हो जाते हैं कि आपने बताया था और हमने ख़रीद लिया और वो देखिए नीचे चला गया। भाई मार्केट में तो कोई नहीं बता सकता कि ये नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, इसी अंदर क्या चल रहा है, किस कंपनी में क्या चल रहा है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता ना मैनेजमेंट में, क्या अंदर चल रहा है, कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं, अंदर से न्यूज़ लीक हो जाती है, बड़े बड़े फंड हाउसेस माल ख़रीद लेते हैं फिर बेच देते हैं, इस तरीके से सब चलता रहता है। तो आप भी समाचार में आए दिन सुनते रहते हो कि सेबी ने कितने लोगों को बैन किया, कितने लोगों को पेनाल्टी लगाया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मार्केट ही है, तो हमें भी यहाँ से पैसे कमाने, तो हमारी स्ट्रेटजी भी यही होनी चाहिए कि यस बैंक नो डाउट बहुत टूट चुका है और इस पे बोलना जले पे नमक छिड़कना जैसा है, जिनका ऊपर पैसा फंसा हुआ है कि और लेने की सलाह देना, क्योंकि लोगों का पैसा फंस गया तो कहाँ से लाऊं मैं पैसा, तो वो बने रहें, बेचे नहीं, लॉस में बेचे नहीं। बैंक अच्छी कभी बाउंस बैक कर सकती है, लेकिन मुझे आने वाले समय में जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल्स हैं, इनके रिजल्ट्स हैं, वो भी बहुत अच्छे आने वाले नहीं हैं, तो काफ़ी समय वेट करना पड़ सकता है। और हम लोग लंबे समय के निवेशक हैं, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और चाहें तो थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, हर गिरावट पे एक अच्छी बैंक है, अभी भरोसा कर सकते हैं, निफ्टी 50 में है अभी भी। तो वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, सब आपको पता है, आप सारे अपडेटेड हैं, और फिलहाल चलिए, थैंक यू सो मच, आज मुझे यही कहना।